कौन किस पर है भारी, कौन किससे है कम, किसमें है कितना दम। विधायक का हठ योग, प्रशासन की तानाशाही, जूझती जनता। त्रेता और द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त कड़ी तपस्या करते थे, तब जाकर उनके इष्ट देव प्रसन्न होकर उनको वरदान देते थे। वो तपस्या जितनी कठिन होती थी, ईश्वर उतनी जल्दी प्रसन्न होते थे। वो प्रथा आज भी जारी है। जनता के द्वारा बैठाई गई कुर्सी पर बैठे नेता अब खुद को शायद ईश्वर से कम नहीं समझते हैं। तभी तो आज जनता की समस्या को लेकर धरने पर बैठे एक विधायक को 12 दिन तक तपस्या करनी पड़ी। लेकिन मजाल है कि अभी भी सत्ता में बैठे लोगों का आसन डगमगाया हो। फिर क्यों ना विधायक धरने पर बैठे, खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, सरकार और उनके अधिकारी हठ नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो सूबे के मुखिया खुद को जनता का सेवक बताते हैं, यूपी की जनता के लिए खुद को समर्पित दिखाते हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनके इस कथन को ठेंगा दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने यह ठान लिया है कि वो जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, चाहे जनता प्यास से मर जाए। दरअसल मामला कानपुर के आर्य नगर विधानसभा का है, जहाँ के निवासी पीने के पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ का हट प्रशासन ने अब ये तय कर लिया है कि अब उनकी समस्या को नहीं सुलझाएंगे, चाहे जो हो जाए। कारण ये है कि यहाँ की विधानसभा की विधायक सपा से हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी ठान लिया है कि वो अधिकारियों के इस हट को तोड़ कर रहेंगे, फिर चाहे धरने पर कितने दिन भी बैठना पड़े, वो भी हट योग नहीं तोड़ेंगे। आज हट योग धरना स्थल के धरना के 11वें दिन हम लोगों ने जो डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, केंद्र सरकार रोज डीजल के दामों को चोरी चोरी चुपके चुपके बढ़ा रही है और स्थिति यहाँ तक हो गई कि आज डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है, जिससे महंगाई बढ़ी है। गरीब किसान मजदूर की बेबसी को दर्शाने के लिए हम लोगों ने आज अर्धनग्न प्रदर्शन करके किसान मजदूर की बेबसी को जन सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और दूसरी ओर जिस पानी की मांग को लेकर हम लोग धरने पर लगातार 11 दिन से बैठे हैं, उसको भी पूरी करने की मांग सरकार से हम लोग करते हैं। सपा विधायक के धरने का आज 12वां दिन है, लेकिन ना ही प्रदेश के आकाओं की कुर्सी हिली, ना ही किसी अधिकारी ने सुध ली। दूसरी तरफ सपा विधायक का धरना लगातार जारी रहा। हर दिन विधायक अलग अलग माध्यम से प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन भारी बारिश के बीच एक त्रिपाल के नीचे धरने पर बैठे अधिकारियों और सत्ता के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए धरने स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया, सरकार को जगाने के लिए मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा। विधायक के धरने में व्यापारिक संगठन और अन्य राजनीतिक संगठन ने भी समर्थन किया। धरने के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल कर विधायक का समर्थन किया। फादर्स डे पर विधायक की बेटी शुभी ने भी धरने का समर्थन किया और कहा कि पापा मकसद पूरा करके आना। धरने के 11वें दिन विधायक ने धरने स्थल पर ही अर्धनग्न होकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध किया। इस तरह से विधायक की हटियों के साथ धरना जारी है, लेकिन ये साहब तो अब खुद को त्रेता और द्वापर युग वाले देवता समझ लिए हैं। हल्के फुल्के प्रदर्शन और धरने से ये कुंभकर्णी नींद से नहीं जागेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता के लिए धरने पर बैठे विधायक का हट योग टूटता है या फिर अधिकारी की नींद टूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।